सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। बहुत से लोगों को इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस बोट्स और एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करती हैं और इन दोनों को ही जमीन के बजाय पानी पर ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड एक दूसरे से कितने अलग हैं। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर जरूर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। इंडियन नेवी को आजादी से पहले ब्रिटिश शासनकाल में 1612 को ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन्स के नाम से स्थापित किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र के समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है और इसके साथ ही देश के अन्य आर्म फोर्सेस यानी आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर युद्ध और शांति दोनों में भारत के क्षेत्र, लोक और समुद्री हितों के खिलाफ किसी भी खतरे को समाप्त करना है। और जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड को आजादी के बाद 18 अगस्त 1978 में स्थापित किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य भारत के समुद्री तटों की चौकसी और रक्षा करना है। ये दोनों ही फोर्सेस भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आती हैं, लेकिन इंडियन नेवी को एक बड़े लेवल पर ऑपरेट करने के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें युद्ध से लेकर आपदा राहत जैसे कार्य शामिल हैं। और जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड को एक छोटे लेवल पर ऑपरेट करने के लिए स्थापित किया गया है। और आप कोस्ट गार्ड को समुद्र की एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी कह सकते हैं, जिसे मुख्य रूप से भारत की समुद्री सीमाओं पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्य कार्य भारत की समुद्री सीमाओं पर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना होता है। अगर बात करें इनके स्ट्रेंथ और साइज की, इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड के मुकाबले में साइज और पर्सनल्स के मामले में बड़ी होती है। इंडियन नेवी में मौजूदा समय में करीब 67,228 पर्सनल्स हैं और जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड में करीब 15,714 पर्सनल्स हैं। अगर बात करें इन दोनों फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स की, तो इसमें भी काफी ज्यादा फर्क है, क्योंकि इंडियन नेवी को युद्ध जैसी स्थिति में ऑपरेट करने के लिए स्थापित किया गया है, तो इसलिए इंडियन नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शिप्स और एयरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के मुकाबले में साइज में बड़े होते हैं। और जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड को भारतीय समुद्री तटों से 10 से 30 नॉटिकल माइल्स के एरिया पर ऑपरेट करने के लिए स्थापित किया गया है, तो इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड छोटे साइज की पेट्रोल शिप्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आमतौर पर इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली छोटे साइज की पेट्रोल शिप्स इंडियन नेवी शिप्स के मुकाबले में ज्यादा तेज गति से चलने में सक्षम होती हैं। इंडियन नेवी का रैंक स्ट्रक्चर मिडशिपमैन रैंक की तरह ही है, यानी कि इंडियन नेवी भी वही रैंक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है जिसका इस्तेमाल रॉयल नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और कई सारे कॉमनवेल्थ नेवीज द्वारा किया जाता है। और जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड का रैंक स्ट्रक्चर भारत की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी CAPF के रैंक स्ट्रक्चर पर आधारित है। इंडियन कोस्ट गार्ड की सबसे हाईएस्ट रैंक डायरेक्टर जनरल की है, जो कि इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल रैंक के इक्विवेलेंट है। इंडियन नेवी को भारत के डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट यानी राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए भी स्थापित किया गया है और इसके लिए इंडियन नेवी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं पर भी ऑपरेट करने के लिए सक्षम है। और जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड को भारत के समुद्री तटों और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और समुद्री सीमाओं पर होने वाली गैर कानूनी गतिविधियां जैसे कि स्मगलिंग और इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए स्थापित किया गया है। और इन सब महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के समुद्री तटों और उसके आसपास के क्षेत्रों के पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के साथ प्रदूषण को नियंत्रित करती है और युद्ध के दौरान इंडियन नेवी की सहायता करने सहित हमारे समुद्र तथा अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। और अगर आसान भाषा में कहा जाए कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के काम करने के तरीकों में उतना ही फर्क है जितना कि इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के काम करने के तरीकों में। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।